नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल धर्म संदेश। दोस्तों, आज भी हमारा विशेष जो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं आपको एपिलेप्सी के विषय में, पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एडियोपैथिक एपिलेप्सी, गैस्ट्रिक एपिलेप्सी और रिफ्लेक्स एपिलेप्सी, ये तीन तरह के एपिलेप्सी होते हैं, आयुर्वेद और यूनानी इस तीन तरह के एपिलेप्सी को मानता है। अब ये जो तीन है वो कफ, पित्त और वात जनित दोषों के वजह से बिगड़ने से ये तीन दोष नजर आते हैं, लेकिन ये शरीर की तमाम हिस्से में कहीं भी हो सकता है ये। लेकिन चूंकि एपिलेप्सी तो ब्रेन में हुआ जो जो फायरिंग है, ब्रेन के नसों में हुई वीकनेस या ब्रेन के नसों में हुआ कुछ एक हरकतों के वजह से एपिलेप्सी का सीजर होता है। तो एपिलेप्सी के जो सिम्टोम है वो तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीख लिया और समझ लिया। अब आज हम ये जानेंगे कि ब्रेन में वो कौन सा चीज होता है, क्या होता है ब्रेन में। तो ब्रेन के अलग-अलग इस स्थिति को मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से रख पाऊं, इस हिसाब से आज मैं आपके सामने आया हूं। जरा इस चित्र को, इस मैप को जरा आप ध्यान से इसको देखिएगा। इस तरह से गोल हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन के जब हम दो हिस्से करेंगे तो ये राइट जो है हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, और ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। तो ब्रेन को हम इस तरह से दो हिस्से करेंगे, तो यहां पर राइट हेमिस्फीयर और ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब जब भी कभी हमारे शरीर के किसी हिस्से में हुआ, जो हमारा चाहे गैस्ट्रिक एपिलेप्सी हो, मान लो कि आपकी अमाशय में हुई कमजोरी, कमजोरी के वजह से आपका कफ पित्त वायु में कुछ विकृति हो गया और उससे वहां से एक स्टीम आया, स्टीम आकर के आपके ब्रेन के किसी एक पार्टिकुलर हिस्से को वो ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो अब क्या होगा कि इस ये जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में से यहां पर दोस्तों ये पॉइंट होंगे, इस चार पॉइंट को फोर लोब कह करके इसको आयुर्वेद जानता है। यही चीज एलोपैथिक भी इसी चीज को बताता है। तो ये जो चार पॉइंट है, इस पॉइंट में जब वो टच करेगा, यहां से आया हुआ जो फायर है, यहां से गैस्ट्रिक का जो स्टीम है वो ऊपर की ओर आया, ब्रेन के पार्टिकुलर इस किसी एक पॉइंट को उसने टच किया, तो यहां से हो गया इस पल्स में फायर हो गया, यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई। यहां मान लो कि यहां पर कोई स्वेलिंग है या कुछ भी है, या यहां पर ब्लॉकेज है, ऐसा कुछ है, तो यहां से टच होकर के इस राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के इस चार पॉइंट में आकर के ये फायर यहां पर टच होगा। टच होते ही सडनली वो आदमी यहां से गिर पड़ता है। अब वो आदमी को किस प्रकार का सिम्टोम नजर आ रहा है, जब उसको सीजर होगा, जब उसको एपिलेप्सी का फीट दौरा आएगा और वो गिरने वाला है, तो उस समय उस आदमी को, उस रोगी को किस प्रकार का लक्षण नजर आएगा, वो किस तरह से गिरेगा, उसका उसके शरीर किस तरह से हरकत करेगा, वो ये चार पॉइंट डिसाइड करेगा। यहां से हुआ फायरिंग, अब इस चार पॉइंट का चार नाम है, इसी को फोर स्टेज के करके हमारा आयुर्वेद जानता है। जिस तरह से कैंसर का चार स्टेज होता है, जैसे जैसे पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो वो रोग थोड़ा सा जटिल होते हुए जाता है, दूसरे से तीसरे स्टेज में जब वो पहुंचता है तो हम मानते हैं कि भाई कैंसर अब थर्ड स्टेज में पहुंच गया, तो और ज्यादा जटिल हो गया, तो तीसरे से जब चौथे में पहुंचता है तो कैंसर बहुत भयानक अवस्था में पहुंच जाता है, वो इंसान मृत्यु की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे ही एपिलेप्सी को भी हम जानते हैं। ये जो राइट साइड का राइट हेमिस्फीयर के फर्स्ट पॉइंट, इसका नाम है दोस्तों फ्रंटल लोब, और ये सेकेंड वाला पॉइंट है, इसका नाम है फ्राइटल लोब। ये अब ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इसके फर्स्ट जो पॉइंट है इसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब, और ये सेकेंड वाला, इसका जो लेफ्ट साइड का जो सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसका नाम है दोस्तों टेम्पोरल लोब। अब ये जो है, यहां से आया हुआ जो फायर है, पल्स के यहां से फायर हो गया, इसके बाद यहां से इस फोर लोब में जाकर के
टच होना कंपलसरी, जब ही जाकर के उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम होगा, यानी उसको जो चक्कर आ रहा है, मुंह से झाग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसमें अकस्मात भूल जाने की आदत होना आदि इत्यादि, ये चीजें वो डिपेंड करता है कि यहाँ से कहाँ टच कर रहा है वो। इस पार्टिकुलर पॉइंट से ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है पहले, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो ये यहाँ से जिस किसी पॉइंट में जाएगा और उसको संक्रमित करेगा, तो उसी पॉइंट का अपना जो सिम्टोम है वो इस व्यक्ति में नजर आएगा। आपको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, यहाँ से आया हुआ जो फायर इस चार पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में जब आएगा, तो वहाँ से उसको उस सभी पॉइंट का अपना अपना सिम्टोम है, अपना अपना लक्षण शरीर में दिखाने वाला है, तो वो लक्षण नजर आएगा। मान लो अगर किसी को फ्रंटल लोब्स में आकर के इस फायर यहाँ पर टच करता है और इसको संक्रमित करता है, इसको प्रभावित करता है, तो उस आदमी को अगर वो फ्रंटल लोब में है तो उसको इसको बोलते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट, यानी कि वो आदमी को चक्कर आ जाता है, थोड़ी देर तक उसके हाथ और पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सा गिर भी जाता है लेकिन तुरंत संभल भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन जब कभी किसी को होगा और बस उतना ही होगा, तो उसको समझना चाहिए कि यहां से हुआ जो फायर है वो इस फ्रंटल लोब में आकर के टच करता है, लेकिन बाकी इस तीन पॉइंट को वो टच नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये स्थिति में सुधार न होते हुए, अगर उसका ये एपिलेप्सी का जो प्रॉब्लम पुराना हो गया, तो यहां से फायर यहां पहुंचा, तो ये जो फायर है इसकी जो ये जो एरिया है फायर होने का, वो बढ़ता हुआ यहां पर टच हो सकता है। तो जब ये फ्राइटल लोब में टच होगा, तो फ्राइटल लोब में जो है कि जो सिम्टोम है वो फिर उसको नजर आएगा, दोनों ही जो सिम्टम उसको नजर आना शुरू होगा। जैसे इसका क्या है, फ्राइटल लोब में अगर टच होगा तो इसमें सोचने और समझने की जो कैपेसिटी वो खत्म हो जाता है, यानी वो लड़खड़ाएगा भी, हाथ और पैर में उसके झंझनाहट भी होंगे, उसको चक्कर भी आएगा, वो गिर भी जाएगा, उसका सोचने समझने की कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों अवस्था इस दोनों पॉइंट में टच होने से होगा। लेकिन जब ये फायर ये दोनों अब ये जो है फायर होते होते यहाँ पर टच होते होते इसकी जो जो क्षेत्र है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, तो इसको टच होगा, उसके बाद इन दोनों के सिम्टम उस रोगी में नजर आएगा। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब ये तीनों को कवर करेगा, तो ये अब दोस्तों यहाँ पर एक्सिपिटल इस लोब को ये टच करेगा, तो इसका अपना जो सिम्टम है अब इस दोनों के साथ इस रोगी को नजर आएगा। इसमें जब वो टच होगा तो देखने की क्षमता, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये तीन चीजों बंद होने की जो चीजें हैं वो इस ऑक्सीपिटल लोब में नजर आएगा। ऑक्सीपिटल लोब में जैसे ही ये फायर इन तीनों को जब कवर करता है, तो उसको गिर भी जाएगा, देखना बोलना सुनना सब कुछ बंद हो जाएगा, बेहोशी की स्थिति में आएगा और मुंह से झाग भी आएगा। फिर इन दोनों में मुंह से झाग नहीं आएगा, लेकिन जब इसको टच करेगा, जब लेफ्ट हेमिस्फीयर में जाएगा, तो फिर मुंह से झाग आने की स्थिति उसमें आ जाएगा। अब ये जो फायर है यहां से सीधा इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे आया, क्योंकि इसकी जो अपनी जो 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 क्षेत्रफल है वो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद तो इसमें क्या हो गया कि मुंह से झाग भी आ गया, वो चक्कर भी आ गया, नीचे गिर भी गया, हाथ और पैर में झंझनाहट भी हो रहा है, कुछ ऐसे चीजें भी हो रहा है, भूलने की सभी चीजें उसको हो गया, यहां से क्या हो गया, मुंह से झाग आ गया। उसके साथ साथ जब ये चारों को कवर करेगा, तो दोस्तों इसको ये जो चौथा जो वाला जो भाग है इसको बोलते हैं टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब में जब वो आ जाएगा, तो उसको फिर कई दिन तक बेहोशी होगी, शरीर उसको लगता है कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, भूल जाने की विशेष स्थिति ये टेम्पोरल में नजर आता है। भूल जाएगा कि अभी क्या हुआ था, जब मेरे को फिट आया उससे पहले क्या हुआ था, तो मुझे किसने पकड़ा, कहाँ लेके चले गए, इस बेहोशी के बीच में वो तक बंदा भूलने की कगार में आएगा। तो
तो अब चलते चलते इस स्थिति को आपने जरा ध्यान से सुने होंगे, इसको कई बार इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप में जो कुछ हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, फ्रंटल लोब से, फ्राइटल लोब से, ऑक्सीपिटल से या टेम्पोरल से, आपको पता चल जाएगा। खैर ये एक समझने की बात है, इससे आप कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये समझने की बात है कि आप किस स्टेज में हो, फर्स्ट स्टेज में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, तो ये आपको अपना जो स्टेज है एपिलेप्सी का वो आपको पता चल जाएगा। ये ग्राफ दिखाने का मेरा बस यही है। अब क्या होगा, हमारा आयुर्वेद क्या बोलता है, यहां से गया हुआ जो स्टीम है दोस्तों, एपिलेप्सी हमारे, चाहे वो एडियोपैथिक एपिलेप्सी हो, चाहे गैस्ट्रिक एपिलेप्सी हो, चाहे रिफ्लेक्स एपिलेप्सी हो, इन तीनों ही स्थिति में स्टीम बनता है। स्टीम जब ऊपर जाएगा तो ये भाग प्रभावित होगा, तो जैसे ये भाग प्रभावित होगा तो ये चार पॉइंट में आके वो टच होगा। तो पहले बात तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि यहां से जो स्टीम जा रहा है किस वजह से जा रहा है, जरा उसका इलाज करो। तो पंचकर्म थेरेपी बहुत अच्छा इसमें होता है, और भी बहुत सारे हम इसका मेडिसिन बना के देते हैं। तो यहां से ऊपर तक जाने का बहुत सारे मेडिसिन है जो इस गैस को ऊपर तक जाने नहीं देता, शरीर में इधर ही वो उसको कवर कर देता है, ठीक कर देता है। अच्छा, सिर्फ यहां से निकलने वाली जो गैस्ट्रिक एपिलेप्सी, रिफ्लेक्स एपिलेप्सी से जो गैस ऊपर की ओर जा रहा है वहां से हो गया फायर। दोस्तों इतना ही नहीं, बल्कि यहां पर एक और भी प्रॉब्लम ये है कि इस ब्रेन के अंदर एक पल्स है जहां से सोडियम पास होता है या कैल्शियम पास होता है। विशेष करके जो सोडियम है, जब इन चार पॉइंट में, चाहे फ्रंटल हो, फ्राइटल हो, एक्सिपिटल हो या टेम्पोरल हो, इन चार पॉइंट में से किसी एक या सभी कहीं पर भी जब टच होगा तो निश्चित है कि फायर हो जाएगा और उसको उसी वक्त सीजर होगा। तो इससे बचने के लिए कि यहां इस भाग से ये जो सोडियम है वो यहां पर ना पहुंचे, इसीलिए एलोपैथिक में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जो इस चीज को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। तो वो क्या करता है, जो जितने भी जो मेडिसिन है वो क्या करता है कि यहां पर आकर के इस, ये जो पल्स है यहां पर सोडियम को क्रश होने से ही बंद कर देगा, यानी कि यहां से आगे सोडियम जाएगा ही नहीं। जब वो सोडियम यहां नहीं जाएगा तो कहीं भी टच नहीं होगा और फायर नहीं होगा। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि सर इतने सालों से हम दवाई खा रहे थे अंग्रेजी, तो जब तक खाए तब तक तो ठीक, जिस दिन मैंने छोड़ दिया दूसरे दिन मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया। तो उसका मुख्य वजह यही था कि वो मेडिसिन इस जगह में जा करके यहाँ से इस सोडियम को क्रस या नीचे की ओर बहने से, नीचे की ओर जाने से इस चार पॉइंट तक पहुंचने के लिए ब्लॉक कर देता है, तो आगे नहीं बढ़ता। तो जब तक दवाई खाया तब तक ये यहाँ ब्लॉक होता रहा, जब दवाई छोड़ा तो ये ब्लॉकेज बंद हो गई, सोडियम आ गया, इधर टच हो गया, उसी वक्त उसको मिर्गी का दौरा आया। तो दोस्तों एलोपैथिक के साथ साथ हमारे आयुर्वेद ने भी इस जगह को, चाहे ये सोडियम हो चाहे कैल्शियम हो, इस सोडियम को बंद करने के लिए एक बहुत उत्तम दवाई आयुर्वेद ने दिया है। उसका नाम है दोस्तों बच और शहद। इस बच आधा चम्मच शहद दोनों को मिला करके अगर सुबह सुबह खाली पेट खाया जाए तो निश्चित है कि ये अंग्रेजी दवाई का ये काम ये कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज अंग्रेजी दवाई छोड़ करके इसको दे दे तो भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि एलोपैथिक जो मेडिसिन लंबे समय से खाने से उसका एक अलग प्रकार का हमारे शरीर में अपना प्रभाव होता है। तो उसको आयुर्वेदिक दवाई थोड़ा धीमी धीमी काम करता है, एकदम स्पीड से, फास्ट से काम नहीं करता आयुर्वेदिक, इसीलिए लोग आयुर्वेद के तरफ ज्यादा नहीं दौड़ते। ठीक है, तो बच और शहद का प्रयोग निरंतर करता रहे और अंग्रेजी दवाई भी लेते रहे, बीच में लगा लो 2-3 महीने के बाद अंग्रेजी दवाई को छोड़ दे तो निश्चित ही कि बच इस स्थिति को तुरंत पकड़ लेगा, उसके बाद अंग्रेजी की इस काम के लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों बच और शहद का प्रयोग किसी किसी को बमन कारक भी होता है, उल्टी भी आता है। अगर आपको ऐसा होता है तो इस बच में ब्राह्मी और शंख पुष्पी को मिला करके शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात बात इतना ही है कि यहाँ पर बच का मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। लगा लो कि बच अगर 100 ग्राम है तो ब्राह्मी 50 ग्राम और शंख पुष्पी 50 ग्राम होनी चाहिए, बच का मात्रा
ज्यादा होनी चाहिए, इन दोनों का बरोबर बच होनी चाहिए, तब जाकर के ये यहाँ पर काम करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमारा ब्रेन एपिलेप्सी को होने में सहयोग देता है, या किस प्रकार से ब्रेन में किस तरह से स्टीम को गया, वहां से इन चार पॉइंट में से कुछ न कुछ हरकत हुआ, फिर सीजर हुआ, किस प्रकार से अलग अलग इस पॉइंट को टच करने से जो इसकी जो सिम्टोम है वो बढ़ता गया। तो जैसे कैंसर का चार स्टेज होता है, उसी प्रकार से एक पॉइंट को टच किया तो फर्स्ट स्टेज, जब यहाँ से फायर होने की स्थिति बड़ा बड़ा होता गया, इसको टच किया तो सेकंड स्टेज स्थिति, जब ये यहाँ पर यहाँ पर गया तो यहाँ से बढ़कर इधर आ गया, ये तीनों को कवर करने लगा तो ये थर्ड स्थिति, और उसके बाद सबसे फोर्थ स्थिति, यानी कि सबसे खतरनाक मिर्गी की जो चौथा जो स्थिति है, इन चार ही पॉइंट यानी फ्रंटल, फ्राइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल, इन चारों को जब ये फायर जब टच करे तो समझ लो कि ये एपिलेप्सी का सबसे डेंजर स्थिति है। इसके बाद रोगी मरने की स्थिति भी पहुंच जाता है, यानी कि इसकी फिर अब स्थिति बहुत ज्यादा घातक है। तो अब आपने ये समझा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए अकेले इस पार्टिकुलर इस सोडियम को बंद करना ही कारगर नहीं है, हमें आयुर्वेद के अनुसार इसके ये संपूर्ण इलाज जरूरी है। तो अब इसका आपने ये समझा कि भाई इसका तीन तरह का इलाज है। पहला इलाज जो हमारा एडियोपैथिक एपिलेप्सी, गैस्ट्रिक एपिलेप्सी और रिफ्लेक्स एपिलेप्सी, पहले इनको ठीक करना होगा। उसके बाद आया सबसे पहले तो कफ पित्त वात, जिसका इसका जो मुख्य कारण है, ये तीन बिगड़ने से ही ये रिफ्लेक्स आदि ये सारे हुए हैं। तो कफ आदि दोषों को निवृत्त करके फिर इन तीनों को ठीक करना होगा। इन तीनों को जब हम ठीक करेंगे तो काफी हद तक हमारा ये समस्या ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो चार चीज, इसमें बढ़ोतरी न हो, ये न बढ़ जाए, इसके लिए भी हमें निरंतर सोचते रहना चाहिए। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो दोस्तों परहेज भी करना चाहिए। ये जो भाग संक्रमित हो रहा है, ये तभी एक ही जगह में स्थित रहेगा, ये तभी बढ़ेगा नहीं, इसके फायर की स्थिति तभी नहीं बढ़ेगा जब हम इसके लिए परहेज करेंगे। परहेज में हमने गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू आदि जो चीजें हैं उसको तो बिल्कुल, क्योंकि वो तो सीधे ही ब्रेन में उसका अपना नेगेटिव असर होता है। दूसरी बात, हम नमक को जितना कम खाएंगे, तेलीय पदार्थ हम जितना कम खाएंगे, जिसमें ड्राई चीजें हैं, चाहे वो भुना हुआ मक्की हो, भुना हुआ कोई बेसन की चीजें हो, या भुना हुआ कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, जिसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा है, ऐसे कुछ भी चीजें नहीं खानी चाहिए या बहुत कम खानी चाहिए। अगर मैं आपको कहूं कि इन चारों चीजों को अपने एक स्थिति में लाने के लिए बिल्कुल नमक और तेल को छोड़ करके अगर कोई रोगी बच और सेहत के सहायता से ही, और हमारा जो यहाँ से जो मेडिसिन जाएगा उस मेडिसिन को लेकर के, रोज अगर आप कफ के शरीर वाले हो तो रोज सुबह और शाम गर्म दूध में गुड़ डाल के चावल या रोटी के साथ खाए, अगर आप पित्त शरीर वाले हैं तो दही में गुड़ या चीनी डाल के रोटी या चावल के साथ खाए, निरंतर बस वही खाए, बाकी कुछ चीजें ना खाए, बच सेहत का सुबह सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और हमारे द्वारा प्रदत्त दवाई का इस्तेमाल करें, तो इस एपिलेप्सी को हमेशा के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नमक और तेल जब कम खाएंगे तो यहाँ सोडियम शरीर में होने की स्थिति में सुधार आ जाएगा। तो शहद और बच यहां पर ब्लॉक कर रहा है, आप नमक बिल्कुल न खा करके सोडियम के मात्रा को ब्रेन में थोड़ा कम कर रहे और शरीर भी आपका संतुलित होगा। क्योंकि बिल्कुल हल्की चीजें खा रहे हैं तो अगर आपका रिफ्लेक्स एपिलेप्सी और गैस्ट्रिक एपिलेप्सी है तो उसमें तो बिल्कुल भी सुधार आ जाएगा, और धीरे धीरे ब्रेन की जो स्थिति है इसमें प्रगाढ़ता, इसमें मजबूती आना शुरू हो जाएगा। तो आपको बस यही एक रास्ता है जहां से आप इस भयानक एपिलेप्सी से आप बच सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं, एलोपैथिक के पास भी नहीं है,
और आयुर्वेद के पास भी नहीं है। तो आज का जो मेरा यह वीडियो दोस्तों संपूर्ण उपाय है, बस इसके सिवा आपके पास कोई दूसरा रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी टोना टोटका करने वालों के पास जाएंगे, अगर आप किसी ऐसे वैद्य के पास जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उसने आपको कह दिया भैया हम तो एक झटके में चट कर देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो दोस्तों इस तमाम प्रकरण के अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। क्योंकि ये जब ठीक होगा तो ये अपने आप, ये जो 4 पॉइंट है ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, यहाँ जो फायर होने की स्थिति इसमें भी अपने आप सुधार आ जाएगा। तो दोस्तों आज जो आपको मैंने समझाना था वो इतना ही है। आपको कितना समझ में आया आप इसको जरा गौर करिए, आप इस रोग से ग्रसित हो या नहीं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आसपास में कोई इस रोग से ग्रसित है तो उसको जरा आप इस चीज को समझाइए कि खाने पीने में आपको बिल्कुल कंट्रोल करना है, हल्की चीजें खाना है और इसी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों मिर्गी ठीक होने वाला रोग है, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन रोगी थोड़ा सा उतावला सा होता है। हमारा दवाई 1 महीने तक खा लिया तो उसको जैसे ही थोड़ा सा सुधार आ गया तो वैसे ही शुरू, हाँ जी सर मैंने तो थोड़ा सा मैंने पकोड़ा खा लिया था जी, कुछ मैंने पूड़ी खा लिया था तो ऐसा हो गया, तो उसमें थोड़ा सा इस तरह की समस्याएं होता है, वो अपने मुंह को जरा रोक नहीं सकता, थोड़ा वो केयरलेस हो जाता है कहने का मतलब। तो आज आपको मैंने समझाया कि आप बस इसी विधि से अगर आपने 3 या 4 महीने तक रहा इस विधि से जिस तरह से मैंने आपको समझाया, तो निश्चित है कि आपके शरीर से एपिलेप्सी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मुझे दीजिएगा विदा, जय श्री राम।